आजकल हम देख रहे हैं कि जो मौसमी बीमारियां हैं, जैसे वेदर चेंज होता है, अगर अक्टूबर और मार्च तक की हम बात करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमें खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, रनी नोज होती है, खांसी जो है वो चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती। इसे क्या एक वायरस समझा जाए या एक वायरल फीवर समझा जाए, क्या समझा जाए? एक्चुअली आमतौर पे अक्टूबर से मिड फरवरी तक फ्लू का मौसम होता ही है जी। और इस समय मोस्टली फ्लू चलता है जिसमें खांसी जुकाम हल्का बुखार आ सकता है, गले में खराश हो सकता है, सोर थ्रोट होती है और स्टफ नोज रह सकता है, थोड़ी टायर्डनेस हो सकती है, बॉडीएक हो सकता है। बट इस बार ये हो रहा है कि मिड फरवरी के बाद भी अभी भी मार्च में मौसम बदल चुका है, लगभग गर्मी आ गई है, फिर भी ये अभी चलता रह रहा है और यूजुअली इसमें 2 से 3 दिन का होता है ये, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि 2 से 3 दिन तक तो बुखार रह रहा है लेकिन उसके बाद भी जुकाम खांसी ये लंबा खींच रहा है जी। अप टू 2 to 3 weeks, कुछ मरीजों में 3 weeks तक ये होता रहा है, उसके बाद रिलीफ हुआ है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। वैसे ये इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस ही है जो H3N2 टाइप का है और ये पिछले 1968 से होता आ रहा है, ये हमारे समाज में चल रहा है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इस बार उसका थोड़ा स्वरूप यही है कि थोड़ा लंबा खींच रहा है। जी डॉक्टर, इसके जो लक्षण है वो क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या है, कैसे हमें समझ में आए कि ये नॉर्मल वायरल है या फिर कुछ और है? और क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जो फीवर है वो 2 से 3 दिन तक रहता है लेकिन खांसी जुकाम जो है वो लंबा खिंच रहा है, लोग घबराते हैं, कोरोना के बाद से ही लोग डरते हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए कि यदि 1 वीक से ज्यादा जा रहा हो तो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है और जो रिपोर्ट आती है उसमें ये कंफर्मेशन हो जाएगा। तो अगर कंफर्मेशन हो जाता है कि नहीं ये H3N2 है या इस बारी जो कोविड भी जो अब एक्सटेंडेड रहेगा हमारे समाज में वो भी है, तो वो भी अब आमतौर पे खतरनाक नहीं है, बस एक बार डायग्नोसिस हो जाए तो आप निश्चिंत हो सकते हैं और जो आपकी सिम्टम्स है, बुखार नहीं है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है,